लीन बैक क्या हुआ है? मैं नहीं जा रहा भाई। इस टाइम जो मौसम हुआ है और पीछे आपको विलाज नजर आ रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या खूबसूरत सीन है। और इस आइलैंड की सबसे मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ टांगे चलते हैं और यहाँ पे सिर्फ साइकिल्स चलती हैं। या अस्सलाम वालेकुम शपे गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार अच्छे से एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हम लोग बाली में, अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, और आज हमारा प्लान है बाली के कुछ बड़ी मजे की 2-3 जगह देखने का। कोई राइस फील्ड, एक मंकी फॉरेस्ट है यहाँ पे, उसके अलावा एक बड़ी मजे की वॉक है, एक वाटरफॉल है। देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे। सुबह के 9 बजे में अभी आज हम अपना दिन सही टाइम पे शुरू कर रहे हैं। हमारी स्कूटी का टाइम खत्म होना है 1:30 बजे, अभी बजे में 9, तो अभी फिलहाल हम इसी पे निकल रहे हैं। देखते हैं 1:30 बजे तक जो चीज़ें हम देख पाए वो इसी पे देखेंगे, उसके बाद ये वापस कर देंगे या आगे एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आज हमने होटल भी चेंज करना। लोकेशन नंबर 1 की तरफ रवा दवा, और बहुत तेज़ धूप है आज। मतलब धूप तो रोज होती है कहीं ना कहीं, बट आज धूप की तपिश जो है ना वो बहुत हैवी किस्म की है। बट साइडों से बादल आ रहे हैं, अल्लाह करके बादल आ जाए यार। बहुत तेज आज चुभने वाली धूप हुई हुई है। आज की हमारी लोकेशन नंबर 1 इज तेगा लालंग राइस टेरेस। ये बहुत एक आइकॉनिक सी बाली की चीज़ है। राइस फील्ड्स हैं, लेकिन वो उनका डिज़ाइन ऐसे, वो आगे आपको नजर आएगा। उसके लिए जो है ना, वो ये एक मस्ट विजिट जगह पर। सामने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ से आप टिकट परचेज करते हो, और हम लोगों ने जो टिकट परचेज की है, ये बैंड आपको नज़र आ रहा है। डिफरेंट पैकेजेस हैं, अगर आपने स्विंग लेनी है उसके और पैसे हैं, अगर आपने सिर्फ वैसे ही अंदर जाना है तो वो तो सबसे सस्ता है कि 50,000 IDR इंडोनेशियन रुपीज़ जो है उसकी 50,000 फीस है। हमने जो पैकेज दिया इसके अंदर, यहाँ पे जो इनकी मेन चीज़ है, स्विंग्स हैं, पिक्चर्स के स्पॉट्स हैं, तो हमने वो पूरा पैकेज लिया है, वो हम दोनों का बनाए। और बेगम साहिबा ने एक लॉन्ग ड्रेस भी लिया है ज़रा अपनी तस्वीरों के लिए, तो वो टोटल हमारा बनाए 714,000, मतलब 7,14,000। ये राइस टेरेस, इसमें आपको पूरा फिरने के लिए 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। वो तो कुछ लोग फिर रहे हैं बीच में, ड्रोन में आपको सही नज़र आएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ से अपनी टिकट्स लिए और टिकट्स लेके हम जाएंगे नीचे। ये ऐसा ड्रेस लिया नहीं, रंगीला सा नहीं, नहीं? ये यहाँ पे इन्होंने एक कैफ़े टाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे भी कैफ़ेज हैं, वो भी सामने कैफ़े हैं, सिटिंग एरिया है, कुछ भी आप ड्रिंक्स वगैरह लेके बैठ सकते हो। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। और यहाँ के लिए रिकमेंडेड होती है कैंची चप्पल, क्योंकि आगे बहुत कीचड़ मिलता है। आज बाली हमारा साथ नहीं दे रहा भाई, इतनी धूप और मतलब गर्मी है, और उसकी जो धूप इतनी तेज़ है, अक्सर होता है गर्मी होती है लेकिन धूप इतनी ज़्यादा चुभनी, आज चुभ रही है धूप, और बादल हैं साइडों पे लेकिन वो उसके आगे नहीं आ रहे। तो फिलहाल हम लोग बैठे हैं ज़रा, क्योंकि इतना लंबा सफ़र उबुद से, ये 12-13 किलोमीटर है, तो 12-13 किलोमीटर स्कूटी पे इज इक्वल टू कोई 25-30 किलोमीटर वाली फील आती है आपको, और ऊपर से गर्मी। तो आगे बैठे हैं, अभी हम सोचा कोई ड्रिंक्स विंक पीते हैं ताकि एक दफ़ा ज़रा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर अपना ये स्विंग्स वगैरह शुरू करते हैं। क्रेज़ी लग रहा है मुझे देख के, थोड़ा सा डर लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे है, वो बिल्कुल ही सामने कुछ भी नहीं है, और वो पेंग उसके अंदर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ये स्विंग्स के 4-5 स्पॉट्स हैं पिक्चर्स के लिए, वो अभी हम शुरू करेंगे। फिलहाल ज़रा ठंडे हो लें, और सामने बिल्कुल यहाँ से, ये जहाँ हम बैठे हैं सामने बिल्कुल वो राइस टेरेस का राइस फील्ड्स हैं, बेसिकली बनी ऐसी हुई हैं कि वो आपको एक बड़ी अलग वाइब आती है उसको देख के। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ऊपर से देखने में इसको फील आ रही है, वो इसके बीच में फिरने से नहीं आएगी, तो वो ऊपर से ज़्यादा प्यारा व्यू है। ये लो जी, पहली बारी मैंने दी है वाइफ को कि ये मैं देख लूँ ज़रा पहले, उसके बाद मैं जाऊँगा। लीन बैक। क्या हुआ है? मैं नहीं जा रहा भाई। यार ये बड़ा अजीब सा है, मतलब है एक पींगी, लेकिन वो सामने का जो व्यू है ना, वो इतना नीचे है कि आप बिल्कुल ही एक दफा हवा में चले जाते हो। लेकिन करना तो पड़ेगा। हूँ ओए होए होए होए, कसम से यार, मतलब मैं ये एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकता। मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं ये कैसा खौफनाक है, अजीब है, मज़ा आएगा नहीं, लेकिन ये स्विंग, ओए होए, एकदम से आपके मतलब सामने इतना नीचे है सब कुछ, और आप जाते हो बहुत रिलैक्सिंग है, एकदम से लगता है कि हाँ स्केरी है, एकदम डर लगता है कि ओए ये क्या हो गया, लेकिन उसके बाद जो इसमें मज़ा आता है,
जैसे आई क्रेजी यार, खूबसूरत एक्सपीरियंस एकदम से स्केरी लगता है। हाँ अच्छा, अब यहीं पे बाकी काफी सारे स्पॉट्स हैं, जिस तरह ये एक स्पॉट नीचे आपको नजर आ रहा है, एक नेस्ट बना हुआ है, इसके अंदर बैठ के आप इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स ले सकते हो। कहा भी था मैंने ये इतनी बोरिंग जगह नहीं जाते, नहीं जाते, नहीं मैंने तो राइस फील्ड देखनी है, नहीं मैंने तो राइस फील्ड देखनी है। हम तो देख लिए, मैंने नहीं जाते, मैं कहीं नहीं जाते, बोरिंग। कसम से एक स्विंग के अलावा इस पूरी जगह में देखने वाला कुछ नहीं है। अभी आप मुझे कह रहे थे इतना अच्छा है, महा वर्थ इट, वर्थ इट है ये, वर्थ इट है ये। यार असल में हमारा इस जगह का एक्सपीरियंस बहुत मिक्स हो गया है, और मुझे वो फील हो रहा है कि गर्मी की वजह से हुआ है। माँ को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो तब से के लिए निकले 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 निकले। हमें यहाँ पे 3-3.5 घंटे लग गए, और अगर आप इस जगह को सही इंजॉय करोगे तो आपको इतना ही टाइम लगेगा। आप कर ही नहीं सकते। हाँ जी, तो ना स्विंग बहुत अच्छी थी, स्विंग लेकर चले जाएं। देखो यार, अगर मौसम अच्छा होगा तो ये बहुत खूबसूरत जंगल टाइप जगह है, आप फिर इंजॉय कर सकते हो, लेकिन जैसी गर्मी आ जाए कसम से ये हमारे रंग रूंग आज सड़ गए। ये आपको अगली एक दो वीडियोस में नजर आएगा कि हमारे कलर्स किस तरह से आज ख़राब हुए। ओहो, बट बस ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये मुझे गर्मी की वजह से अजीब लग रही है जगह, यह है ही अजीब, इतना कुछ खास है ही अजीब, इतना कुछ खास देखने वाला नहीं है स्विंग के अलावा। हम लोग वो वहाँ तक गए थे, छोटी सी वाटरफॉल तक, अच्छी खासी हाइक है। वहाँ से इस तरह से आपको रास्तों में से गुजर के आना पड़ता है, उधर से यहाँ तक। इतनी एक्सरसाइज बंदा 2 महीने में नहीं करता जितने ये स्टेप्स लेके आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। अच्छा भाई, राइस फील्ड्स पे जब एंड हुआ उसके बाद हमारा भी ऑलमोस्ट एंड हो गया था, इस कदर गर्मी, और वो एक अजीब सा सीन था। वहाँ से हम लोग निकले उबुद से, जहाँ हम सुबह अपने होटल से गए थे, तो राइस फील्ड वहाँ से थी 13-14 किलोमीटर। वहाँ से हम वापसी शुरू की, और वापसी के रास्ते में एक कैफे था बहुत अच्छा, वहाँ भी बैठ के मैं पिज्जा खाया, मशरूम एंड चिकन पफ टाइप कुछ था वो खाया, उसकी वीडियो भी बनाना भूल गया मैं, हालत इतनी ऑफ थी। उसके बाद हमने वहाँ पे चीज़ केक खाया, कॉफीज पी, और एक और डिज़र्ट था, वो क्या, डोनेट, डोनेट हमने खाया। फिर हम दोबारा वहाँ से निकले। अब उस स्पॉट से अभी जहाँ हम पहुँचे हैं, ये एक वाटरफॉल है, कांटू लम्पू वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत है, अभी नीचे जाके देखते हैं, मैंने अभी तक पिक्चर्स देखी नहीं है। वहाँ से यहाँ तक भी 13 किलोमीटर्स है, तो आज तकरीबन हमने स्कूटी राइड की है 26-27 किलोमीटर रफली। कि कैसा, वैसे कैसा लग रहा है इतनी जलालत, 25-26 किलोमीटर स्कूटी, ठीक है, ठीक है, पर ये लोग के मैं ऐसा नहीं है। इतना खूबसूरत जंगल है बाली के जंगल, मतलब ऐसी किसी भी जगह पे आप आसपास भी जाओगे आपको एक प्रॉपर जंगल फील आती है। राइस फील्ड ना जाना अगर बादल हो तो चले जाना, पीछे खड़ी मुंह बना रही। अभी हम पहुंचे कांटू लम्पू या कांटू लम्पू वाटरफॉल, और क्या खूबसूरत वाटरफॉल है। मतलब मैंने काफ़ी वाटरफॉल्स देखी हैं, लेकिन इस तरह की एक फोटोजेनिक वाटरफॉल, ऐसा लगता है स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, कि उसका एक थीम बना हुआ है। अक्सर होती है वाटरफॉल स्ट्रेट गिर रही होती है, आप उसे देखते हो, लेकिन ये बहुत अलग वाटरफॉल है अभी तक जो मैंने देखी है। और इसके यहाँ पे स्ट्रेट ये जंगल सा जा रहा है, अंदर बहुत खूबसूरत एरिया, बीच में से पानी गुजरता हुआ जा रहा है, पत्थर पड़े हुए, पहाड़ है, ऊपर जंगल है, और ये काफ़ी अलग वाटरफॉल है जो इंतहाई खूबसूरत लग रही है। और एक्चुअल जो पिक्चर स्पॉट होता है ना, इंस्टाग्राम पिक्चर स्पॉट, ये वो है।
अच्छा भी उसके बाद हमने किया क्या, मैंने आपको बताया था कि हमने अपना होटल चेंज करना था, जो पहले वाला होटल था वो हमने 3 नाइट्स के लिए बुक किया हुआ था उसको चेंज किया, एक और हमने उबुद के अंदर ही रात स्टे किया था, उसका नाम क्या था, सिंडेना टाइप कुछ था, हमने सिर्फ एक रात वहाँ पे गुजारनी थी, वो भी हमने रात को जाके 8-9 बजे चेक इन किया और सुबह सुबह उठ के वहाँ से निकले, उसका भी जो व्यू है वो पूरा हर तरफ से वो एक जंगल टाइप के अंदर था, तो वो हमने 1 नाइट स्टे किया, सुबह सुबह उठते ही आज सुबह उठते ही हमने वहाँ से पदंग बे एक उनका पोर्ट है जहाँ से स्पीड बोट्स चलती हैं टू गिली आइलैंड, ये गिली आइलैंड पे मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ, इसका भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ सारा, बाली से 1.5 घंटा दूर आइलैंड्स हैं गिली, 3 आइलैंड्स हैं छोटे छोटे साथ साथ 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर, हम लोग इस टाइम इसके गिली टी आइलैंड पे पहुंचे हैं जो सबसे बड़ा आइलैंड है, और वो स्पीड बोट आपको बाली से लेके आती है, हमने ली थी एका जाया एक काफ़ी बड़ी कंपनी, वहाँ ढेरों स्पीड बोट्स होती हैं, 3 लाख से लेके 10 लाख तक आपको पर पर्सन मिल सकती है, हमने ली थी एका जाया जो बहुत अच्छी कंसीडर होती है, 5 लाख पर पर्सन की हमें टिकट मिली, वो लेके स्पीड बोट हम पहुँचे गिली टी, अभी इस रिजॉर्ट में हमने चेक इन किया है और क्या विलाज हैं ये, इसका मैं शायद आज वाली वीडियो में आपको विला टूर दे दूँ, आज ना दिया तो कल वाली वीडियो में आपको पूरा रिजॉर्ट टूर और रूम टूर दूंगा, अभी फिलहाल बारिश शुरू हो गई है, बादल काफी आए हैं, इस टाइम जो मौसम हुआ है और पीछे आपको विलाज नजर आ रहे हैं आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या खूबसूरत सीन है, अभी मैं जाके थोड़ा सा आइलैंड हम भी देखने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको भी साथ दिखाता हूं कि कैसा आइलैंड है, बहुत मैंने इस आइलैंड की तारीफें सुनी हुई है, ये रिजॉर्ट जो है ये मेन बीच से थोड़ा सा अंदर है तो यहाँ पे काफी पीसफुल सीन है, और इस आइलैंड की सबसे मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी मोटर व्हीकल नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ टांगे चलते हैं और यहाँ पे सिर्फ साइकिल्स चलती हैं या इलेक्ट्रिक स्कूटी थोड़ी बहुत चलती है, अदरवाइज मेनली साइकिल और टांगा, आपको पोर्ट से भी अपने होटल तक जाने के लिए टांगा यूज करना पड़ता है। ख्याल से आना, दौड़ अपनी, साइकिल्स हमने बुक कर ली हैं और वही होटल से ही हमने कहा, हर होटल ने अपनी अपनी साइकिल रखी होती है, आप उनसे बुक कर सकते हो, हमें ये मिली है 50,000 इंडोनेशियन रुपीज़ पर डे, और अभी हम अपने रिजॉर्ट से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, वो सामने बीच है, ओए होए होए इतना खूबसूरत माहौल है, जंगल जंगल में आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, ठीक है, देख के ख्याल से, लो जी ये सिर्फ 2 मिनट की साइकिल राइड के बाद आ जाती है आइलैंड की मेन रोड, और ये साथ साथ समंदर चल रहा है, बहुत खूबसूरत समंदर है गिली के, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा आइलैंड वाइब दिखाता हूँ कि ये आइलैंड है किस तरह का, ये मेन एक आइलैंड की रोड है और छोटा सा ही आइलैंड है कि आप शायद 2-2.5 घंटे के अंदर बाई वॉक पूरा आइलैंड देख सकते हो, लेकिन साइकिल बेहतर है कि आप इस पर ईजीली फिरते रहो इधर उधर, ये आ गए हैं जी बार्स और ये सारी साइकिल्स खड़ी हैं लोगों की, इधर बीच रेस्टोरेंट्स हैं आप बैठो कोई चाय पानी पीना है कुछ और पीना है कुछ खाना है वो सब आपको यहाँ मिलेगा, अभी आइलैंड खाली खाली इसलिए है क्योंकि दोपहर का टाइम है, मोस्टली लोग स्नॉर्कलिंग और इस तरह की चीज़ें करने के लिए गए हुए हैं, आइलैंड के अंदर वाली गलियों में मैं आया हूँ और मुझे तिलावत की आवाज़ आ रही है, सुबह मुझे अजान भी सुनाई दी है बिकॉज गिली टी इज मुस्लिम फ्रेंडली, सुनो आइलैंड पे चलते चलते हम लोग आके रुके एक ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे इटालो पिज्ज़ा, बिल्कुल पीछे खूबसूरत समंदर और समंदर की भी डिफरेंट कलर टोन्स नज़र आ रही हैं, लाइट ब्लू डार्क ब्लू पर अच्छे बादल आए हुए हैं, हमने ऑर्डर किया चिकन पास्ता कौन सा पास्ता, चिकन चिली पास्ता और साथ में पोलो पिज्ज़ा, अभी ज़रा बैठ के टिका के खाएंगे फिर उसके बाद सही से आइलैंड को इन्जॉय करेंगे, देखते ही पिज्ज़ा ख़त्म होना शुरू हो गया है और किस नस्ल का ये पिज़्ज़ा मैं आपको बता नहीं सकता, आप देख के शायद अंदाज़ा लगा सको, देखने में तो एक्चुअल जो ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा होता है वैसे है, बट खाने में भी भाई पूरी गेम इसकी वही है, मतलब ये पिज़्ज़ा मेरा अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ाज़ अगर कोई काउंट करूँ तो उनके अंदर से ही आएगा, इतना मज़े का ये, वेरी पीसफुल आइलैंड, और इन आइलैंड्स की खूबसूरतियाँ ये होती हैं कि ये देखो अब ये एक बिल्ली ने बच्चे दिए हमें और वो यहाँ पे स्टोर के अंदर उसको फीड करवा रही है, एक बच्चा यहाँ सो रहा है, वेरी क्वाइट एंड वेरी पीसफुल, बेसिकली तो हम घूम गए थे एक जगह, मतलब बीच पे जा रहे थे और आगे रास्ता ब्लॉक था तो मैंने साइड पे एक गली में से
साइकिल जो है ना वो घुसा दी है और उस गली में आके सिर्फ लोकल्स हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है, ये सारे लोकल्स गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक लोकल दुकान है शटर्स वाली और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। घूमने के बाद भी आपको अक्सर बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं। वो आ गया सामने बीच। 20 मिनट घूमने के बाद ऐसी सड़कों पर साइकिल चलाने के बाद अब हमें सामने रोड नजर आया है।